नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास राय कुमार। दोस्तों, ये जो बार बार ये टूटने की समस्या आती है, इसको मैं आज बताऊंगा कि ये कैसे सही होगा और ये क्यों टूटता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत दिक्कत आती है जब बार बार ये टूट जाता है ये, और ये हमारी ही गलती से टूटता है, बाकी ना कुछ। ये जो सेटिंग होती है टैपेट वगैरह की, उसी के चलते ये टूट जाता है, और या तो कभी कभी ऐसे भी टूट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सेट करना है। नया वाला ले आए हैं और इसके बाद बताता हूँ कैसे सेट करना है कि ये बार बार टूटे ना और ये इसमें कोई दिक्कत ना आए। वैसे दोस्तों, ये टूटने का बहुत जल्दी नहीं टूटता ये, क्योंकि ये टूटने वाली इसमें कुछ काम ज़्यादा होता नहीं इसका इसका मतलब इनका तो होता है, वो तो तुम्हें पता ही है, पर इसका बहुत ज़्यादा कम काम होता है जब स्टार्ट करते हैं तभी। तो ये टूटता क्यों है, मैं ये आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये कैसे सेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो पुश राड है, इनको चेक कर लेना है अच्छे से कि इनमें जो ये जो क्या होता है, ये जो टेढ़ी हो जाती है ना ये टूटने के कारण, तो इनको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। मैं वो तो आप ये वाला पल्ला खोल के आप देख सकते हैं, पर मैं मुझे पता है कि ये कहाँ है, तो मैं मुझे पता है तो मैं इसे सेट कर लूँगा। आप खोल के सेट कर सकते हैं। आप अगर नहीं जानते कि अंदाज़ा आपको नहीं लग रहा, तो आप इसको खोल के सेट कर सकते हैं। तो मुझे तो अंदाज़ा है, तो मैं इसको आराम से सेट करने वाला। अब इसके बाद दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद इसका जो टैपेट कवर है, मैं इसको आपको रख ये रहा दोस्तों। अब इसके बाद ये आराम से बैठ चुका है। इसके मैं नट लगा के चारों, और आपको इसकी टैपेट सेटिंग, या आप मान लीजिए या टूटने वाला ये जो सारा सिस्टम है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और ये इसमें आप टैपेट सेटिंग भी आप सीख जाओगे। तो चलिए, मैं ये फटाफट पहले ये नट लगा लेता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको लगा दिया है, ये जो चारों नट हैं इसको लगा दिया है, इसको लगा दिया है। अब बारी है जो हम टैपेट सेट करते हैं, या पूरी सेटिंग जो अच्छे से होती है उसकी सेटिंग की। तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक इसमें चाबी होती है, पहिया जो लॉक करती है, या तो उसको चाबी को आप ऊपर कर लीजिए, और या तो फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि पिस्टन टॉप पे है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे ये वालों को देखिए, मैं बताता हूँ। देखो, ये एक वाल ये चली राइट, ये चल रही है। अब लेफ्ट दूसरी तरफ घुमाने पर ये वाली चलेगी ये। तो जैसे दोनों चल रही हैं, तो आपको दोनों को बीचों बीच ले आना है, ना ये चलने पाए ना ये, तो पहिया घुमा के आप दोनों को बीचों बीच ले आइए। अब ये हो गया, और या देखिए आप, अब दोस्तों देखना जब, तो इसके जो पहिए वाली चाबी है वो ऊपर हो जाएगी, यानी सबसे ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक निशान लगा लीजिए। तो आप जब इस दोनों की वालों की सेटिंग कर लीजिए, तो इसमें एक निशान लगा लीजिए। तो इस समय अब इंजन का क्या है कि ये फायर पोजीशन पे नहीं है, मतलब जो इंजन की अब जब आग लगती है तो वो पोजीशन में नहीं है। तो अब हमें उस पोजीशन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन तो टॉप पे है पर आग वाली जब फायर होता है तब पोजीशन में नहीं है। तो जो मैंने एक निशान लगाया इसमें, ये निशान को एक बार किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। तो एक बार इसे पहिए को घुमा के ये दोबारा निशान आ गया। अब जो हमारा इंजन है वो फायर पोजीशन पे, यानी इंजन हमारे स्टार्ट होने के लिए कंप्लीट है। तो अब आपको इन टैपेट के बीच में आपको गैप कर देना, यानी हल्का सा गैप। ये देखिए, ये गैप आ गया, और इसी तरह दूसरी वाली में भी इसमें गैप है। अभी न्यू है तो थोड़ा सा टाइट है, तो ये देखिए ये गैप है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें मोबाइल डाल देना है और इसके बाद स्टार्ट कर देना है आपको। इसके बाद कोई, हाँ, और दोस्तों मेन चीज़ अब आपको क्या देखना है कि ये जो है ना, ये आपको इतनी रखनी है कि सिर्फ वाल का वाल दबे, मतलब इतनी रखनी है कि वाल ज़्यादा ना दबने पाए। अगर वाल ज़्यादा दबेगी ना, तो क्या होगा कि पिस्टन में टकरा जाएगी वाल, जो ये वाल है ये पिस्टन में जाके टकरा जाएगी। तो आपको इतना रखना है कि जितना आपका कंप्रेसर जो है कट सके। आप घुमा के देख लीजिए, और आपको ज़्यादा नहीं करना, जितने में आपका कंप्रेसर कट जाए हैंडल घुमाने में, उतना आपको रखना है। तो इतना हमारा ठीक है ये।
ये हल्का दब रहा है, जिससे हमारा कंप्रेसर जो है बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो अब दोस्तों अब इसको हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। आपको जो मैंने चीज़ें बताई, आप इतना करने के बाद आपको जो इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ।